ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एल्कलाइड में परिभाषा, उसके बाद में वर्गीकरण शुरू कराया था। वर्गीकरण में हमने बताया था कि कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण चल रहा था। उसमें पहला बताया गया आपको sp3 सी बॉन्ड एक्स अबंध युक्त एलोजन। इसमें हमने तीन प्रकार के आपको बताए हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। फिर उसके हुए तीन प्रकार बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर हमने बताया एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। अब आज कहेंगे sp2 सी बॉन्ड एक्स बंध युक्त एलोजन। इसमें भी दो प्रकार है, sp2 सी बॉन्ड एक्स युक्त एलोजन। इसमें दो प्रकार है, एक तो है वाइनिलिक और दूसरा है एरिल, एरिल और वाइनिलिक हैलाइड। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होती है, एल्कीन एथीन। इसमें डबल बॉन्ड के C से एक H को हटा दीजिए, ये बन जाएगा अब वाइनिलिक समूह, सी डबल बॉन्ड CH क्या बन गया, वाइनिलिक समूह बन जाता है। तो यहाँ क्या एक्स जोड़ दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड एक्स, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये बन गया वाइनिलिक हैलाइड। ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन द्विबंध के कार्बन से पर उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHX, यानी द्विबंध युक्त होते हैं हैलाइड। तो ये इसमें डबल बॉन्ड यानी एल्कीन में, यानी ऐसे हैलाइड या ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध के साथ बंधित होता है, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। दूसरा है एरिल, एरिल लिया गया एरोमेटिक से। अब देखिए ये क्या होता है, एरोमेटिक बेंजीन, इसमें बेंजीन से एक हटा दिया, ये क्या बन गया अब एरिल, क्या बन गया एरिल। तो इसमें या एक्स बढ़ा दिया, क्या बन गया एरिल हैलाइड। यानी कि ऐसे हैलाइड जिनमें एलोजन परमाणु एरोमेटिक वले के sp2 संकृत कार्बन पर उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। जैसे हेलो बेंजीन, अगर Cl है क्लोरो बेंजीन, Br है तो ब्रोमो बेंजीन। तो ये इनके वर्गीकरण थे। इसके बाद आता है नामकरण, यानी IUPAC नामकरण, हेलो एल्केन या हेलो एरिन का IUPAC नामकरण। प्लस वन में आपको समझाया था कि ये श्रेणी होती है CnH2n+1 बॉन्ड एक्स, सूत्र होता है सामान्य, और हेलो पहले आता है,
इसमें हेलो पूर्व लग्न होता है और एल के अनु लग्न। जैसे CH3Br वैसे नाश होता है मैथिल ब्रोमाइड, साधारण मैथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार ऐसे यौगिक द्रव्यों के नाम IUPAC में लिख रहा होगा तो उसमें क्या ये बन जाएगा ब्रोमो मेथेन, क्योंकि हेलोस में पहले आता है, यहाँ ब्रोमो एथेन। अब यहाँ क्या है एक दो तीन, तो दो पर क्या है ब्रोमीन है, टू ब्रोमो प्रोपेन, वन टू थ्री यह आ जाएगा वन ए वन ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन। इस प्रकार इनके IUPAC नामकरण है। इसके बाद इसमें जो एरोमेटिक है उनमें देखिए Cl क्या बन गया क्लोरोबेंजीन, Br है ब्रोमोबेंजीन। अगर द्वि प्रतिस्थापित एरोमेटिक है, जैसे ये द्वि में तीन यौगिक बनते हैं, एरोमेटिक में द्वि प्रतिस्थापी में तीन समा यौगिक बनते हैं, जैसे ये बन गया आर्थो, ए बन जाएगा मेटा, ए बन जाएगा पैरा, ये मेटा और तीसरा है पैरा। साधा नाम आर्थो मेटा और पैरा। IUPAC में वन टू बन गया वन टू डाई ब्रोमो बेंजीन, वन टू थ्री वन थ्री डाई ब्रोमो बेंजीन, और इसमें पैरा में वन टू थ्री फोर यह बन गया वन फोर डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इनका नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ इसके साथ डाई हेलोजन का ही बता देते हैं, डाई हेलाइड, जैसे C2H4Cl2 C3H6Br2 C4H8Br2। तो ये डाई हैलाइड है, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें एक जणु में दो अगर हैलोजन परमाणु है उन्हें क्या बोलते हैं, डाई हैलाइड बोलते हैं। अब इनमें भी तीन, इनके तीन प्रकार है, डाई हैलाइड के तीन प्रकार है, सूत्र तो एक ही है लेकिन तीन समावयवी बन जाते हैं, तीन क्या बल्कि चार भी। कैसे, डाई हैलाइड एक होता है जैम डाई हैलाइड,
एक होता है विसिनल, विसिनल डाइहिलाइड, एक होता है अल्फा ओमेगा डाई, और चौथा होता है अन्य। अब एग्जामिन तीन में से एक जो सूत्र आ जाता है, इससे बनने वाले डाइहलाइड के संरचना सूत्र और IUPAC नाम दीजिए। अब जैसे नंबर एक C2H4 Cl2 C2H4Cl2 अणुसूत्र से दो समावयवी या दो यौगिक बनते हैं। एक ये बनता है, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर होते हैं, और दूसरा होता है दोनों हैलोजन दोनों निकटवर्ती कार्बन पर। इसे बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जैम। इसे बोलते हैं विसिनल। परीक्षा में आ जाता है C2H4, Cl2 या Br2 जो भी आ जाए, बनने वाले यौगिकों का सूत्र IUPAC नाम, इससे दो यौगिक या दो समावयवी बनते हैं जैम डाइहैलाइड और विसिनल। आ जाता है जैम डाइहैलाइड। क्या होता है? ऐसे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर उपस्थित हो, उन्हें क्या बोलते हैं? जैम डाइहैलाइड। और जिसमें दोनों हैलोजन दो निकटवर्ती यानी पास पास के कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विसिनल। इनके नाम IUPAC में 1, 2, तो ये 1 पर दोनों Cl है, 1, 1 क्या बन जाएगा? 1, 1 डाइक्लोरो एथेन। इसमें दोनों निकटवर्ती है 1, 2 डाइक्लोरो एथेन। इसी प्रकार C3H6Br2 अणुसूत्र से तीन यौगिक तीन समावयवी बनते हैं। आप जानते हो समावयवता क्या होती है? ये टॉपिक ही आप जानते हो समावयवता, कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र एक होता है लेकिन उनकी संरचना और गुणों भिन्नता होती है, समावयवी कहलाते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। तो C3H6Br2 से तीन समावयवी बनते हैं। पहला कौन सा बनता है? जैम डाइहैलाइड, दूसरा विसिनल, और तीसरा बनता है अल्फा ओमेगा। अब इनकी संरचना, जैम में दोनों हैलोजन एक ही सी पर से, CH3CH2CHCl2 ये बन गया जैम डाइहैलाइड। विसिनल में दोनों हैलोजन दो निकटवर्ती कार्बन पर, सॉरी यहाँ Br है क्या? तो यहाँ Br हो गया, Br है Br2 Br, और यहाँ अल्फा ओमेगा दोनों सिरों पर, ध्यान दे कम से कम तीन कार्बन हो, अगर दो तो वही बन जाएगा विसिनल। ये तीन समावयवी C3H6Br2 से बनते हैं। 1,1-dibromopropane नाम इनके IUPAC 1,1-dibromopropane, 1,2-dibromopropane, 1,3-dibromopropane। तो ये तीन समावयवी बनते हैं C3H6
Br2। और चौथा तो उदाहरण लेते हैं हम C4H8Br2। इसमें चारों प्रकार के डाइहैलाइड बनते हैं। C4H8Br2 कौन कौन से? जैम डाइहैलाइड। दूसरा विसिनल, डाइहैलाइड। तीसरा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और चौथा अन्य डाइहैलाइड। अब देखिए इसके सूत्र, CH3CH2CH2CH Br2। क्यों? जैम में दोनों एक ही कार्बन पर होते हैं, विसिनल में दोनों हैलोजन हैं, दो निकटवर्ती कार्बन। ये हो गया अल्फा ओमेगा में सिरे पर, अन्य अन्य मतलब अन्य मीन्स जैसे हिरण्यकश्यप ने भगवान से क्या वर मांगे थे कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न वर्ष में, न महीने में, न दिन न बार, न अंदर न बार, न मनुष्य न ईश्वर, मतलब अन्य आकृति अन्य। अब कैसे मरा वो? अन्य नरसिंह रूप। तो वही बात है यहाँ, अन्य मीन्स न तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हो, न दो निकटवर्ती कार्बन पर हो, न सिरे पर हो, अन्य। या देख अन्य जैसे ये बनेगा, अन्य में CH3CH1Br यहाँ लगा दीजिए तीन नंबर कार्बन पर, और ला एक लगा दिए एक नंबर पर, ये बन गया अन्य। इसमें न तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर है, न दो निकटवर्ती पर है, न सिरे पर है, अन्य ही। नाम इनके 1,1-dibromobutane, चार का होता है ब्यूटेन, 1,2-dibromobutane, 1,2,3,4, 1,4-dibromobutane, 1,2,3,4, 1,3-dibromobutane। ये थे इनके समावयवी। और एक है C6H4Br2 के, क्योंकि मैंने ये चार बताए समावयवी, एक प्रश्न में आ जाता है C6H4Br2, इससे भी तीन समावयवी बनेंगे, क्योंकि ये बेंजीन के प्रतिस्थापी है और बेंजीन में तीन समावयवी बनते हैं अगर दो हैलोजन है तो। आर्थो मेटा और ये बन गया, इसमें तीन बलिया बनाएंगे बेंजीन की। ये है आर्थो, ये है MeTA मेटा, ये है पैरा, यानी कि पैरा में क्या होता है आमने सामने, मेटा में एक छोड़कर, आर्थो में पास पास। IUPAC में 1,2 या 1,3 या 1,4 ये बन गया। तो ये एलिफैटिक और एरोमेटिक हैलाइड के
समावी IUPAC नाम थे। अब लेते हैं अगला इसका टॉपिक आता है सी बॉन्ड एक्स बंद की प्रकृति। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, अब तक हमने क्या की इसकी परिभाषा, नंबर दो वर्गीकरण, नंबर तीन IUPAC नाम, नंबर चार समावयवता, और पांचवा बिंदु क्या है, पांचवा बिंदु है सी बॉन्ड एक्स बंद की प्रकृति। सी बॉन्ड एक्स आबंद की प्रकृति, तो आप जानते हो हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। देखिए कार्बन की होती है 2.5 होती है विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की होती है 4.0, क्लोरीन की होती है 3.0, Br 2.8, I 2.55। यानी कि कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन की विद्युत ऋणता से कम होती है, इसलिए कार्बन और हैलोजन के मध्य बना हुआ जो सहसंयोजी बंध है वो हैलोजन की ओर आकर्षित हो जाता है। देखिए सी बॉन्ड एक्स, तो ये जो सांझे का इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण सांझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी एस मान सांझा हो जाता है और इस पर ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। कार्बन पर क्या हो जाते हैं, आंशिक धनावेश, ये इसे क्या बोलते हैं, आंशिक धनावेश। और एक्स जो होता है हैलोजन, यहाँ आ जाता है आंशिक ऋणावेश। अर्थात कार्बन और हैलोजन बंध क्या होता है, एक ध्रुवीय बंध होता है। अगर आ जाए सी बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजी। अब ये ले CH3F मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड, यानी कि RF RCl RBr और RI। R क्या कॉमन है, ये इसके सूत्र हो जाएंगे। आ जाता है इनके बंद की ऊर्जा या बंद की लंबाई। देखिए हम यहाँ लेते हैं हैलाइड, यहाँ बंद लंबाई बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, जैसे पहले हमने उदाहरण क्या लिया, हमने CH3F ले लें या CH3 है ना, तो CH3 या CH3F सबसे बंद लंबाई कम होगी, क्योंकि ज़्यादा ऋणता है, CH3Cl ज़्यादा बंद लंबाई होगी, CH3Br की और ज़्यादा होगी और CH3I की बहुत ज़्यादा होगी। जैसे 1.39 है इसकी CH3F की, CHCl की होती है 1.78, 178, 193 और 200 समथिंग होती है। ये क्या है, बंद लंबाई है, किसमें होती है, PM पिकोमीटर, क्या होती है PM 10^-12 मीटर होता है इसका एक PM का मान। आखिर आपको मान याद नहीं करने हैं, ये इससे ये परीक्षा में आ जाता है कि
इनकी बंद लंबाई का घटता या बढ़ता कर्म लिखिए, तो ये कर्म कौन सा हो जाएगा? सी एच सबसे बड़ा कौन सा है? सी एच थ्री आई बंद लंबाई है, उसके बाद में सी एच थ्री बी आर की है, उसके बाद में सी एच थ्री सी एल की है, सी एच थ्री एफ की है। सबसे कम बंद लंबाई सी एच थ्री एफ की होती है, क्योंकि एफ की ऋणता ज़्यादा होने के कारण सी बॉन्ड एक्स बंद है वो सबसे छोटा होता है। बंद ऊर्जा, क्योंकि ये जितना बंद छोटा होगा अंतर ऋणता में ज़्यादा होगा, उत्तर बंद क्या होगा? मजबूत होगा, यानी सी एस एफ बंद सबसे मजबूत है, जो 452 किलो इसकी वो क्या है, 452 किलो जूल प्रति मोल, यानी सी एस एफ बंद को तोड़ने के लिए 452 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, और सी 351 होती है सी एस थ्री सी एल की, और सी एस सी बी आर की होती है 293, और आई की 234, 293 और ये 243। तो देखिए क्या है, बंद लंबाई, ये बंद लंबाई तो क्या है, बढ़ते हुए कर्म में है, और इधर ये ऊर्जा, ये कर्म बढ़ने का कर्म, यानी कि सी एस सी एफ बंद को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछ लेते हैं कि आर एफ आर सी एल आर बी आर आर आई इनकी बंद ऊर्जा का घटता क्रम, तो ये आ जाएगा बढ़ता क्रम, पहले ये आ जाएगा, और क्रियाशीलता या सबसे पहले बंद टूटता कौन सा है, क्रिया कौन तेज करता है, सी एस सी आई, ये सबसे लंबा है, ऊर्जा कम, इस बंद को तोड़ने में कम ऊर्जा की जरूरत होती है, यही कारण है कि आयडो एलाइड यानी एल्किल एलाइडो में एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक सक्रिय यानी कि क्रियाशील होते हैं, और एल्किल फ्लोराइड कम क्रियाशील होते हैं, अर्थात एल्किल फ्लोराइड स्थायी होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, जबकि आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ये थे इनकी सी बॉन्ड एक्स बंद की प्रकृति, बंद लंबाई, बंद ऊर्जा। इसके बाद आता है बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, इन्हें बनाने की मुख्य 5-6 विधियां हैं, इनके मैं हेडिंग बताता हूं, कल इनका वर्णन करेंगे। पहला है बनाने की या विधियां, पहला है एल्कोहल, एल्कोहल में भी तीन है, पहला है एच एक्स एलोजन अम्ल, एच सी एल एच बी आर एच आई इनके साथ, दूसरा है एस ओ सी एल टू थायोनिल क्लोराइड, तीसरा है लाल फास्फोरस, और सॉरी पी सी एल फाइव, क्या है पी सी एल फाइव या पी सी एल थ्री, पी सी एल या पी बी आर फाइव जो भी है, यानी कि फास्फोरस के पेंटा या ट्राई हैलाइड, और तो ये तीन तो की एल्कोहल से, दूसरी आती है एल्केन, तीसरा है एल्कीन, चौथी है कार्बोक्सिलिक अम्ल,
अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण से। पांचवी है हेलोजन विनिमय, हेलोजन इसमें दो है, एक है फैल किस टाइप होती है, इसका नाम दिया गया, इसका नाम इसका है, से बोलते हैं एक तो है स्वाट अभिक्रिया, एक है फेल्क्रिस्टाइन अभिक्रिया। तो ये बनाने की सामान्य विधियां हैं, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। इसलिए आपके पास बुक भी होगी, इसलिए मैंने नाम लिख दिए कि आप लोग थोड़ा इसका अध्ययन करियो, जिसमें समीकरण हैं, समझने की चीज़ें हैं, तो ध्यान से ये पांच विधियां कल कराएंगे। पहली है एल्कोहल, जिसमें तीन विधियां बनेगी, हेलोजन अम्ल है, उसका थायोनिल क्लोराइड है और फास्फोर पेंटा या ट्राई हैलाइड है। उसके बाद में एल्केन, एल्कीन और अम्लों के सिल्वर लवण तथा हेलोजन विनिमय। तो आज का एपिसोड यहाँ तक, थैंक यू।